यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर ग्रेटर नोएडा से, यूपी की फिल्म सिटी के लिए बड़ा दिन है आज। फिल्म सिटी के लिए डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। आज 4 कंपनियों में से एक का चयन हो जाएगा। कंपनी के चयन के लिए YEIDA में बिड खुलेगी, यीडा में बिड खुलेगी। शुक्रवार को टेक्निकल बिड में चयनित हुई थी 4 कंपनियां और इन चारों में से कौन वो कंपनी होगी जो ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण करेगी, उसका चयन आज होगा। अविनाश तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, ये 4 कंपनियां कौन सी हैं और चयन की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो 1000 एकड़ में रबूपुरा और जेवर में ये फिल्म सिटी बननी है। उसके लिए अगर बात करें तो 4 कंपनियों ने बिड दाखिल की है, जिसमें अगर बात करें तो NDS आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड है, CP कुकरेजा आर्किटेक्ट्स है, इसके अलावा CBRI साउथ एशिया है, वह अगर बात करें तो इसके अलावा इंडिया कंसल्टेंट इंजीनियरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये 4 कंपनियां हैं जिन्होंने बिड दाखिल की है और इन्हीं में से एक कंपनी को आज 4 बजे शाम को यमुना विकास प्राधिकरण में ये बिड खोला जाएगा, जिसमें से एक कंपनी को DPR तैयार करने के लिए ये बिड दी जाएगी। जो भी कंपनी इस बिड को जीतती है उसमें से उस कंपनी को 3 महीने का समय मिलेगा जब वो DPR तैयार करेगी, यानी कि 1000 एकड़ में किस तरीके की फिल्म सिटी बननी है, क्या क्या सुविधाएं हो सकती है और क्या क्या इसका डिजाइन हो सकता है, वो DPR में ये तैयार करेगी। ये जो 4 कंपनियों में से एक कंपनी जो बिड जीतेगी, 3 महीने का उनको वक्त दिया जाएगा। 3 महीने में उनको अपनी DPR कंप्लीट करके यमुना विकास प्राधिकरण को सौंपनी होगी, जिसके बाद यमुना विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार को ये DPR सौंपेगा। ठीक है, एक बार फिर से अविनाश, आपने 4 कंपनियों के नाम लिए, कैसे बिडिंग होगी इनकी और आज 4 में से एक का चुनाव कैसे होगा, ये दर्शकों को संक्षेप में बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो DPR तैयार करने के लिए इन 4 कंपनियों ने अपनी ओर से बिड दाखिल किया। इनमें जो सबसे कम पैसे में DPR तैयार करने के लिए बिड दाखिल की होगी, उसी कंपनी को जब आज 4 बजे ये बिड खोली जाएगी, तो जो सबसे कम पैसे में DPR तैयार करने की बिड दाखिल की होगी उसी कंपनी को DPR तैयार करने का टेंडर मिलेगा, यानी कि जिस कंपनी ने सबसे कम मूल्य रखे होंगे DPR तैयार करने के लिए उसको ये टेंडर दिया जाएगा, जिसके बाद अगर वो टेंडर जीतती है कंपनी तो 3 महीने का उसको वक्त दिया जाएगा DPR तैयार करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका इन जानकारियों के लिए। तो 4 कंपनियां हैं जो टेक्निकल बिड के बाद चुनी गई हैं और उनमें से एक का चयन आज हो जाएगा।